हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको DMRC-JE मैकेनिकल के लिए थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा और साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये सिर्फ DMRC ही नहीं बल्कि जितने सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होंगे उसमें आपको काम आएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि DMRC का सिलेबस आपको पता होगा, इसलिए सिलेबस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। DMRC-JE मैकेनिकल के लिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पेपर वन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पेपर टू में इंग्लिश ग्रामर आता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि हमारे चैनल ट्यूटलेज एकेडमी में आपको DMRC के लिए JE मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल ट्यूटलेज एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। ओके, द एनर्जी ट्रांसफर मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क और बोथ। हीट होता है लो ग्रेड एनर्जी और वर्क हाई ग्रेड एनर्जी। नेक्स्ट, सिस्टम। इट इज अ रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस और कंसंट्रेटेड। ओके, सराउंडिंग। एनी थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। एंड बाउंड्री, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। देखिए, ये हो गया सिस्टम और ये बाउंड्री यानी सराउंडिंग। ओके, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से हमेशा आता है आपको। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मास ट्रांसफर होता है, यस। एनर्जी ट्रांसफर, यस। इसका एग्जांपल है टरबाइन, पंप, बॉयलर एंड कंप्रेसर एक्सेट्रा। एंड क्लोज सिस्टम मास ट्रांसफर, नो, मास ट्रांसफर इस पर नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर होता है, यस। क्लोज सिस्टम मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। इसका एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क एंड इनवर्स। इनवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। एनी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टीज। एग्जांपल है इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ओके, प्रॉपर्टीज इज अ टू टाइप्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास और साइज। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट, बस इससे याद रखना है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल देखते हैं मास, वॉल्यूम एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ इट इज रिवर्स इन डायरेक्शन, फॉलोज द सेम पाथ विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड इरिवर्सिबल अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल नहीं होता है
वो रिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. ओके, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस. स्टेट ऑफ ए सिस्टम, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड प्रोसेस. अ प्रोसेस ऑफ स्टेट इज नोन एज अ सॉरी अ चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज अ प्रोसेस. जीव्स फेज रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होता है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू. यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आपको अलग अलग टाइप से दिया रहेगा, जैसे ऐसे पी प्लस एफ माइनस टू इक्वल टू सी ऐसे भी दिया जा सकता है, या फिर पी प्लस एफ माइनस सी इक्वल टू टू ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है. ओके, देखते हैं. वेयर P इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड C नंबर ऑफ कंपोनेंट. ओके, नोट एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज जीरो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो जीरो होता है. ओके, थर्मोडाइनेमिक साइकिल, अ सिस्टम इज सेट टू हैव अंडरगोन साइकिल व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. ओके, नेक्स्ट, अ फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल प्रोसेस. क्वासी स्टेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? जब फ्रिक्शन लेस होगा तो. ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, इसको कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट भी बोलते हैं. व्हेन अ बॉडी ए इज इनिशियल थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन बॉडी ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. देखिए, जैसे ए बॉडी ए है विथ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी, देन बॉडी ए एंड सी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर. तो इसका होगा आंसर टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट, वेन नेदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउ टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इनवर्स. ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम. इनवर्स से कन्फ्यूज नहीं होना है, इनवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग. इनवर्स जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है. ओके, इसका आंसर होगा आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, एंथैल्पी. इसका ऑप्शन होगा एंथैल्पी. एंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड ऑल थ्री आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है डिपेंड ऑन मास और साइज. ओके, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज, इंडिपेंडेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म अ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम. इसका ऑप्शन होगा हेट्रोजीनियस सिस्टम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट कॉफी स्टोर इन वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ, ये डिस्कस हो चुका है, आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट, अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ मास ट्रांसफर ओनली, एनर्जी ट्रांसफर ओनली, बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर ओनली, नेदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर ओनली. ये होगा
closed thermodynamic system is a energy transfer only. Mass transfer इसमें होता है? नहीं. Mass transfer only. Both mass and energy transfer किसमें होता है? Open system. Open system. Neither mass or nor energy transfer. Isolated system. Isolated system. Okay. Next question. The properties of thermodynamic system is a path function, point function, reversible process, irreversible. इसका आंसर होगा पॉइंट फंक्शन. ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. प्रॉपर्टीज होता है पॉइंट फंक्शन. ये डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री. पॉइंट फंक्शन डिपेंड नहीं होता पाथ हिस्ट्री पे. पाथ हिस्ट्री क्या होता है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. एंड पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री यानी हीट एंड वर्क. हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन. ये कंफ्यूज नहीं होना है. पाथ सिस्टम जो होता है डिपेंड होता है किस पे? पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड होता है. एंड पॉइंट फंक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल द वॉल्यूम बिकम्स थ्री टाइम्स. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. वॉल्यूम बिकम्स थ्री टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी. ओके, सॉल्व करते हैं इसको. टेम्परेचर दिया हुआ है T1 27 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 273 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन. ओके, इसका फॉर्मूला है T1 अपॉन T2 इक्वल टू V1 अपॉन V2. ओके, T1 हम लोग को 300 रख लेंगे. T2 फाइंड करना है इक्वल टू V1 इक्वल टू V एंड V2 थ्री टाइम्स. ये अंडरलाइन किए हैं यानी 3V. V और V कैंसिल हो गया. देन यहाँ कर लेते हैं T2 इक्वल टू 300 इंटू 3 इक्वल टू 900. 900 क्या? एक केल्विन में आ गया. ऑप्शन किस में? सेल्सियस में. तो T2 इक्वल टू 900 माइनस 273 से माइनस कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 627 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन सी. ओके, तो फ्रेंड्स ये बेसिक कंसेप्ट था थर्मोडायनेमिक्स के. अब थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट टू में ऑल टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विथ न्यूमेरिकल. तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल का हर वीडियो आपको मिल जाए. थैंक्स फ्रेंड.